अंतरिक्ष में लंबी उछाल लगाने वाले इसरो ने समुद्र की गहराई में जाने का मन बना लिया है, या फिर यूं कहें कि अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने के बाद अब भारत समुद्र की गहराई को नापने की तैयारियां कर रहा है। भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने का मादा रखने वाले इसरो ने देश का पहला वाटरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया है। 50 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले इस वाटरक्राफ्ट में सवार होकर 3 लोग आसानी से समुद्र की गहराई में जा सकेंगे। अगर मोदी सरकार की तरफ से इसरो के इस डिजाइन को हरी झंडी मिल जाती है तो भारत भी उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास इस तरह का वाटरक्राफ्ट मौजूद है। फिलहाल अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ऐसे देश हैं जिन्होंने गहरे समुद्र में कई मिशनों को अंजाम दिया है। ऐसे में अगर इसरो को वाटरक्राफ्ट बनाने में कामयाबी मिल जाती है तो भारत भी समुद्र में मौजूद दुर्लभ धातुओं और जीव जंतुओं के बारे में पता लगा सकेगा। वाटरक्राफ्ट की बनावट पर जाएं तो शीशे की खिड़की के जरिए विशाल समुद्र का बेहतर ढंग से मुआयना करा जा सकता है। 5 साल में तैयार होने वाले इस यान से करीब 10 घंटों तक पानी के भीतर रहा जा सकता है। ऐसे में अब इसरो को मोदी सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट में कब हरी झंडी मिलती है, फिलहाल ये देखना बाकी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।